की होटल जस्ट मेरे पीछे ही आपको अरे थोड़ा मैं दिख 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 जैसे हो से यार, व्यू दिखाती हूँ। पेशल इनकी नवरात्रि थाली आई है सुंदर सा मिरर दिख गया। यार बूफे ना बहुत सही चीज है। अब आ रहा है टेस्ट मुंह में। क्या व्यू है, क्या थोड़ा सा इमोशनल थोड़ी जो जर्नी थी ना 2000 गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ कविता, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए व्लॉग में। सो दोस्तों सुबह का टाइम हो रहा है और मैं पी थी अपनी यहाँ पे चाय। जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं मेरे व्लॉग्स उनको पता होगा कि मेरी रेगुलर वाली टी कौन सी होती है। आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। सो मैं चाय पी रही थी और बस आज का जो व्लॉग हमारा होने वाला है वो दिन का व्लॉग होने वाला है। आज हम लंच में जा रहे हैं, एक होटल में लंच करने जा रहे हैं। उस होटल से मेरी यू नो थोड़ी सी यादें भी जुड़ी है, मेमोरी कहते हैं ना वो भी है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। सो हम लोग जाएंगे और लंच करेंगे साथ में। आपको होटल का होटल के बारे में बता देती हूँ कि इट्स लाइक लखनऊ के वन ऑफ द बेस्ट होटल्स में से एक ये होटल है, काफ़ी जाना जाता है, जिसका नाम है मैं पता नहीं इसका नाम जो है वो सही बोल रही हूँ कि नहीं, प्रोनंसिएशन इसका सही है कि नहीं आप लोग मुझे बताना। सो इसको बोलते हैं रेनेसांस, सॉन्स होता है रेनेसांस, वैसे तो रेनेसेंस इसकी स्पेलिंग होती है लेकिन मैंने गूगल में देखा तो रेनेसांस आ रहा था और रेनेसा भी बोलते हैं कुछ लोग शॉर्ट में। सो आज हम वहाँ जाके लंच करेंगे साथ में और जितनी भी चीज़ें वहाँ पे होंगी मैं वो आप लोगों को दिखाऊंगी, मुझसे जितना पॉसिबल होगा। वहाँ का रूफ टॉप दिखाऊंगी, स्विमिंग पूल एरिया दिखाऊंगी। सो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। नीचे प्यारा सा लाल कलर का बटन होगा, खचक से दबा कर मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। तो चलिए चलते हैं साथ में, लेट्स गो। दोस्तों मैं आ चुकी हूँ होटल जस्ट मेरे पीछे ही आपको बिल्डिंग दिख रही होगी। कितने फ्लोर की है मुझे नहीं पता, कितने फ्लोर 16 फ्लोर्स की है ये मेरा फ्रेंड बता रहा है। सो चलते हैं अंदर फटाक से और आप लोगों को दिखाते हैं, लेट्स गो। सो मैं होटल के अंदर आ चुकी हूँ, यहाँ पे और एंट्री लेते कितना सुंदर सा मिरर दिख गया। हाय, अब हम ऊपर जा रहे हैं, कौन से फ्लोर पे? 14 फ्लोर में जा रहे हैं ना, अब अंदर लेट्स गो। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार। चलो 14 फ्लोर में देन क्लोज। कि एक दिन मैंने यहाँ पे ओडीसी की थी, ओडीसी में आपको बताऊंगी कि क्या होता है। होटल वाले जो इंडस्ट्री के लोग होंगे, होटल इंडस्ट्री, उनको तो पता होगा आउटडोर केटरिंग बोलते हैं। सो मुझे दिख 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 जैसे हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है लेकिन अच्छा लग रहा है। सो चलो 14 फ्लोर में चलते हैं। ऑल डे डाइनिंग लेवल 5 to 12 गेस्ट रूम्स क्या आएगी सारा लिखा हुआ है। गेस्ट मन खाने को टुकू टूटी नजर मेरी चंद्रमा तिम्रो समझना आठ प्रहार याद आउँछ लत बस्यो के तोलाई रहने फेरि त्यो मोहार माया लाउँछ। सो दोस्तों हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके थे और मेरे सामने अब ये थाली देख रहे होंगे, तो यहाँ पर इस स्पेशल इनकी नवरात्रि थाली आई है जिसके लिए हम लोग आए थे, हमें बुलाया गया था। हम लोग फूड ब्लॉगर्स हैं तो इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करिएगा @punchoftwist। सो ये नवरात्रि इनकी थाली है, बहुत सुंदर लग रही है दिखने में। ये देख सकते हैं इनका साबूदाना वड़ा है। सो नाइस, गरम होता तो और भी अच्छा लगता। अभी ऑफकोर्स अपने फूड फूड की पिक्चर्स और वीडियोस बनाई हैं, इस वजह से ठंडा हो गया लेकिन टेस्ट काफ़ी अच्छा है। सो अब हम इनकी लस्सी ट्राई करेंगे, काफ़ी ठंडी है। रस मलाई करते हैं, ठीक है। मैं मीठी मीठी चीज़ खा रही हूँ और रस मलाई, ओह कितनी सॉफ्ट है। ओह ये देख सकते हो, ये है इनकी रस मलाई, काफ़ी सॉफ्ट है और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं रस मलाई खा रही हूँ। और काफ़ी दिनों बाद इतनी अच्छी है रसमलाई खाई, काफ़ी सॉफ्ट है यार, बहुत टेस्टी है। सो अगर आप भी आते हो यहाँ पे होटल में तो आप इनकी नवरात्रि थाली ट्राई कर सकते हो। तो अब हम इनका बूफे इंजॉय करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैंने सोचा आज गोलगप्पे खाते हैं। सो प्लीज़ एक प्लेट गोलगप्पे, थैंक यू। चाट काउंटर है ये पूरा इनका, यहाँ पे क्या क्या मिलता है? पापड़ी चाट, करेला चाट, ओ माय गॉड, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चाट में है। पानी कौन कौन सा है इसका? फ्लेवर खट्टा मीठा तीखा भी है,
सो पहला काफी स्पाइसी ये वाला स्पाइसी था, ये सूजी का है, स्वीट वन रेड कलर। ट्राई करने वाले हैं, ये है पान पत्ता चाट ना, और ये करेला, इसको बोलते हैं करेले के शेप में, आई थिंक पापड़ी है ना लेकिन राइट, बट करेले के शेप में है। सो यहाँ पे हमारा पान पत्ता चाट बन रहा है। ये हमारा पान पत्ता चाट है, सो लेट्स ट्राई। अभी तक मैंने पालक ही चाट खाया है, लेकिन इसको खाते हैं। काफी क्रिस्पी है, बहुत टेस्टी है, मतलब कुछ नया मेरे लिए। अब आ रहा है टेस्ट मुंह में, अब आया पान का टेस्ट। मैं आपको यहाँ से आज मैं क्या मैं आप लोगों को यहाँ से व्यू दिखाती हूँ जिस चीज़ के यहाँ पे पैसे लगते हैं हर होटल में पैसे लगते हैं यहाँ से सबसे ज़्यादा। सामने ही आपको देखो सारा नज़ारा लखनऊ का दिख जाएगा, जो टूरिस्ट प्लेसेस में भी आता है। सबसे पहले तो पार्क ही आता है, अम्बेडकर पार्क, ये बगल में ताज होटल है, उधर मरीन ड्राइव है, और रिवर फ्रंट व्यू भी इधर से दिख ही जाता है थोड़ा बहुत। मैं जहाँ से अंदाज़ा लग रहा है मैं वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो बहुत ब्यूटीफुल सा यहाँ पे व्यू है, सो बुफे को एंजॉय करो, यहाँ के खाने को एंजॉय करो, और द व्यूज़ को एंजॉय करो, फोटोज़ वीडियोज़ जो आपको बनाना है वो बनाओ, ठीक है। स्नैक्स कॉर्नर में आ गए हैं, सो सबसे पहले हमें यहाँ पर नूडल्स दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा सब लेंगे, सब नहीं मतलब जितना जो मुझे मन होगा। सो ये है आई थिंक वेज हाका नूडल्स है, सो देते हैं। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड, यार बूफे ना बहुत सही चीज़ है, अनलिमिटेड खा सकते हो आराम से, बस आपका आपका पेट होना चाहिए उतना। सो ये है मंचूरियन, मेरा फेवरेट, और राइस है, ये स्टीम राइस, ये है कैरेट चीज़ पॉपर, सो ये ट्राई करते हैं। सो दो ये हो गए, हरा भरा कबाब के लिए आई थिंक यही टॉन्ग करते हैं। यहाँ पे ये मेन कोर्स का रखा हुआ है पनीर बटर मसाला, ये आई थिंक वेज वाला है ऑप्शन। ये है पनीर मिक्स वेज एंड येलो दाल तड़का, और इसके अंदर है ये कढ़ाई पनीर, तो यहाँ पे वेज ऑप्शन मेन कोर्स के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे वेस्टर्न सिलेक्शन भी है, जहाँ पे पास्ता रखा है एंड ये पोटैटो वेजेस है, और इधर के साइड पूरा नॉन वेज है, सो जिनको नॉन वेज खाना है वो यहाँ नॉन वेज भी आराम से खा सकते हैं। मैं नहीं खा रही हूँ बिकॉज नवरात्रि भी चल रही है, और मैं वेज ही खा रही हूँ, प्रेफर वेजिटेरियन फूड कर रही हूँ यहाँ पे। सो ये है पास्ता इनका, पोटैटो वेजेस नहीं लेना मुझे। सो हमने इतना कुछ लिया है यहाँ पे इस फास्ट फूड में, स्नैक्स में, मेन कोर्स बाद में लेंगे, सो पहले ये खाते हैं। लाइव काउंटर है, मतलब लाइव किचन है, आप आराम से यहाँ पे बैठ के खाओ, और यहाँ से लाइव जो काउंटर है उसको देखते रहो, एंजॉय करते रहो कि कैसे बना रहे हैं। और इधर पूरा ये वेज वाला इनका सेक्शन है, पूरा स्टार्टर्स भी पूरे वेजिटेरियन है। और उधर के साइड आपको ले चलती हूँ, मैंने अभी दिखाया ही था, तो ये है, ये भी वेज ही है, और इधर के साइड ये सारे नॉन वेज है। यहाँ पे दो स्टार्टर्स यहाँ पे नॉन वेज भी रखे हुए हैं, दैट इज़ चिकन लॉलीपॉप और मटन सीख कबाब। यहाँ पे जो स्नैक्स आइटम था दोस्तों मैंने वो खा लिया है, उसमें सबसे बेस्ट मुझे लगा मंचूरियन इनका नूडल्स, और जो नगेट्स टाइप के थे आई थिंक कबाब्स अच्छे लगे, वो टेस्टी लगा। पास्ता वॉज लाइक ओके ओके, मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब ठीक ठाक था। अब ये मेरा फ्रेंड ले आया है मेन कोर्स, बैठे बैठे मेरा मेन कोर्स भी आ चुका है, इसमें राइस दिख रहा है, मंचूरियन वो भी ले आया है, पनीर की सब्जी दो दिख रही है, एंड ये कुछ गोभी का मिक्स वेजिटेबल आई गेस, और साथ में ये पीता ब्रेड लाया है, बहुत सारे मीज़ा वाले लाया है, आई थिंक ये क्या बोलते हैं उसको जो नाचोस के साथ खाते हैं, सालसा आई गेस वो है, सो बहुत सारी चीज़ें लाया है, सो लेट्स ट्राई। सो ये पीता ब्रेड है, सो खाते हैं, बहुत सॉफ्ट है। बीटरूट हमस आई जैसी नाइस, बहुत सारी चीज़ें हैं पर हर चीज़ दिखाना इज़ नॉट पॉसिबल। मैं जो सारी चीज़ें इन्जॉय कर रही हूँ मैं वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। मेन कोर्स में टेस्ट बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया। ब्रेड भी है जो आ गया है, मिस्सी रोटी,
इसको खाते हैं भाई, जिनको बूफे पसंद है ना, मतलब जो खा सकते हैं उनके लिए बूफे अच्छा है, बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। दबा कर खाओ, कोई रोकेगा भी नहीं, पर खाने वाला होना चाहिए। बहुत सारी डेजर्ट्स है, बट जो मेरा मन कर रहा है वो है चॉकलेट स्विस रोल। दिस लुक्स सो टेम्पटिंग डूड, बहुत यम्मी है। निकल जा निकल जा, निकल गया। सो नेक्स्ट है डेविल चॉकलेट मूस। आज मैं पता नहीं चॉकलेट ही चॉकलेट खा रही हूँ, क्या हो गया मुझे। मूस अच्छा, इसके साथ ही अच्छा कॉम्बिनेशन है मूस का बाय द वे। दिस इज बर्फी, दिस इज साबुदाना की खीर है, ट्राई कोकोनट की बर्फी, और इसके अंदर गुलाब जामुन होगा। ओ बेटे, गरम गरम काला गुलाब जामुन है क्या, कहाँ लिखा है इसका नाम, काला जामुन है ये। सो गरम गरम है ये, पर ये बहुत हैवी हो जाएगा मेरे लिए। सो तीन चीज़ें मैंने यहाँ पे ट्राई करने के लिए ली है। सो चलो करते हैं। मैंने आपको सैलड काउंटर नहीं दिखाया था, यहाँ पे मेक योर ओन सैलड, आप अपने हाथ पे आराम से सैलड बना सकते हो। बगल में आपको मिज़ा बार तो मैंने दिखाई दिया था, पीता ब्रेड है, यहाँ दो हमस है, और ये सारी चीज़ें और भी हैं इसमें, सालसा वगैरह। अगर आप यहाँ पे आते हो ना, तो ये जो चॉकलेट इनका स्विस रोल था प्लस ये मूस था, इसको ट्राई करना एक साथ, बहुत टेस्टी कॉम्बिनेशन है। मुझे मज़ा, मतलब ये फोम फोम सा है और ये थोड़ा हैवी में है। बहुत चॉकलेटी है, बॉस। मैं आ चुकी हूँ इनके 16th फ्लोर में, और यहाँ पे इनका बार है, और हम बाहर चलते हैं क्योंकि बाहर है स्विमिंग पूल, लेट्स गो। सर रूफ टॉप इनका यही है। सो कम कम कम। ओ बेटे, क्या व्यू है, क्या नज़ारा है। सो ये इनका स्विमिंग पूल। कम कम कम, नीचे आ जा, आराम से आना। सॉरी, यहाँ पे अब मेरा मन कर रहा है ना भाई स्विमिंग करने का, बट आई कांट। कभी और आएंगे तो कभी तब करेंगे, बट ब्यूटीफुल यार। अच्छा, पूरा आगे ग्लास लगा हुआ है वो, और उधर पूरा प्रोटेक्ट, आई थिंक उधर भी थोड़ा सा जगह है जहाँ से पानी जा रहा है उधर, बहुत सुंदर। सो ये इनका पूरा रूफ टॉप रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आप आराम से बैठ के खा सकते हो, पी सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो, स्विमिंग पूल में आगे जाना स्विमिंग कर सकते हो। L14 आप वहाँ पे तो फूड इन्जॉय करोगे ही करोगे, लेकिन इनके एक रूफ टॉप में ज़रूर आना है जहाँ पे ये स्विमिंग पूल है, बहुत सुंदर सा, मतलब यहाँ से व्यू आपको मिलेगा, प्लस आप स्विमिंग भी इन्जॉय कर सकते हो। म्यूज़िक काफ़ी तेज बज रहा है तो कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बट एक बार ये नज़ारा दिखा सकती हूँ मैं आप लोगों को, बहुत बढ़िया यार, मस्त सा। सो दोस्तों, अभी मैं वॉशरूम आई हूँ, और वॉशरूम आके मैंने सोचा आप लोगों को अपनी स्टोरी भी बता दी, जो मैं कह रही थी यादें है ना, मेमोरीज। तो वो ऐसा कुछ है कि ODC आउटडोर केटरिंग होता है, होटल इंडस्ट्री से जो लोग होंगे उनको पता होगा। उसमें क्या होता है, होटल में जब पीक टाइम होता है, टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं कि उनको फेस्टिवल्स आते हैं, तो काम जो होता है, लोड होता है होटल्स में बढ़ जाता है, तो वो आउटसोर्स करते हैं बाहर से लोगों को कि अपने होटल में बुलाते हैं और उनसे मतलब काम जो होता है काम करवाते हैं, मतलब एज अ मतलब कह सकते हैं वर्कर्स उनसे काम कराते हैं। तो उनमें से मैं भी थी, मेरे इंस्टीट्यूशन से मुझे बुलाया गया था यहाँ पर, तो मैंने एक दिन की जो ODC आउटडोर केटरिंग वो की थी, यहाँ पे कोई वेडिंग थी तो उसमें मैंने काम किया था। सो आई वाज वेरी फीलिंग थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि कहाँ मैं होटल्स के पीछे थी। मैंने 1 ईयर का डिप्लोमा किया है किचन से, हॉट किचन से, तो वहाँ पे मैं किचन में काम कर रही थी और आज मैं होटल में आके फूड रिव्यू कर रही हूँ। सो इट्स लाइक थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ी जो जर्नी थी ना 2019 में आई गेस मैंने किया था, और आज 2023 है, ये ख़त्म होने वाला है। सो फीलिंग वेरी थोड़ा सा लिटिल प्राउड मोमेंट भी है मेरे लिए, लेकिन अभी बहुत आगे जाना है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट जो आप लोग मुझे करते हो मेरे चैनल पर, यूट्यूब में, और मुझे इंस्टाग्राम में देते हो। आज उसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ और आगे भी बढ़ती जाऊँगी। सो थैंक यू सो मच। दोस्तों, हम लिफ्ट के अंदर आ चुके हैं, स्विमिंग पूल वाला एरिया भी आपको हमने दिखा दिया। सो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, नीचे प्यारा सा लाल कलर का बटन होगा उसको खचिक से दबाकर मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। मैं मिलती हूं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।